क्या आप भी एक ईपीएस कर्मचारी हैं? क्या आप भी पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जानना चाहते हैं? और आखिर आपकी पेंशन बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, और कब तक आपको बढ़कर पेंशन मिलने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। अगर आप एक ईपीएफ में एम्प्लॉयर व एम्प्लॉय दोनों में से अगर आप इनमें से योगदान करते हैं तो आपकी ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% है और नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% इंप्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रोविडेंट फंड जो पीएफ पर ज्यादा ब्याज देने और इंप्लॉयज पेंशन पर जो ईपीएस के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना आपकी मिनिमम पेंशन करने की तैयारी की जा रही है। अभी वर्तमान में बात करें तो आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपये, उसे बढ़ाकर के 5,000 रुपये प्रति महीना करने को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है। इन दोनों मामलों पर विचार विमर्श के लिए इस हफ्ते में जो लेबर पैनल बड़ा चर्चा करेगा और आपको बता दे उसके बाद आपकी पेंशन को लेकर जो नया अपडेट आने वाला है। आखिर आपकी हो सकती है जो 5,000 रुपये की लिमिट है उसे लागू भी कर दिया जाए 1,000 रुपये से बढ़ा करके। आपको बताते हैं बोर्ड बैठक में जो आपकी 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट है उसे भी बढ़ाने का प्रस्ताव, यानी कि अगर इस लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो आपकी मिनिमम पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। आपको बता देते हैं कि EPS 95 पेंशन के जो पेंशन धारक है, EPS 95 पेंशन धारक है उसके खाते में योगदान सैलरी का जो 8.33% होता है। हालांकि अभी पेंशन योग्य आपका जो अधिकतम सैलरी है जो 15,000 रुपये ही माना जाता है, इसलिए से पेंशन का अधिकतम आपका हिस्सा 1,250 रुपये प्रति महीना होता है और इसके तहत मिनिमम पेंशन का हिस्सा 1,000 रुपये होता है और अधिकतम आपका 7,500 रुपये आपको वर्तमान में जो पेंशन दी जाती है उसे बढ़ाने को लेकर यानी कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव, अगर लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो आपकी पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। बहुत ही बड़ी पेंशनधारकों के लिए खबर लेकर आ